में मैं टीचर 10th क्लास में 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ड्राई लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। हमारे पास रेशो है 5:8। टोटल हो गया इनका 5 + 8 = 13 हो गया। अब इसको ड्रा करेंगे 7.6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे 7.6। ये 7.6 लाइन ड्रा होगी जिसको हमने ए और बी नेम से नोट किया है। ए और बी एक्यूट एंगल बनाएंगे ए पॉइंट पर एंड बी पॉइंट पर। एक्यूट एंगल यानी 90 से कम। एक्यूट एंगल हम 60 के एंगल बना रहे हैं दोनों साइड ए और बी पर, बी के अपोजिट और ए पर। ये मैंने एंगल बना दिए हैं, एक्यूट एंगल 60 डिग्री का एंगल है ए पर और बी पर। अभी हमारे पास सिर्फ 13 है, 8 5 + 8 = 13। इसको 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Eleven, twelve, thirteen. हमारे पास है 5:8। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। इसी तरह B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13। हमारे पास रेशो 5:8 यानी A5 और B8 को हम ज्वाइन करेंगे। अब ए और बी 13 को ज्वाइन करते हैं और ए 13 और बी को ज्वाइन करेंगे। अब ये देखें हमारी पैरेलल लाइन है। हमारे पास AP ratio PB आ गया। अगर ये पैरेलल है तो हमारा सम क्या है, राइट है। अगर ये पैरेलल नहीं आ रहे
तो हमारे सम क्या है, रोंग है। थैंक्स।